तो क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू चैनल, होप यू डूइंग वेल। और भैया ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। 3 बज रहे हैं दोपहर के, बट इट्स नथिंग लाइक कि गर्मी वाला कुछ सीन है, बहुत ठंड है भाई। सो गाइस, यू मस्ट बी वंडरिंग कि भाई इस टाइम कौन सा व्लॉग। और भाई प्लीज़ ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए यार। गाइस आप सोच रहे होंगे कि भाई इस टाइम कौन सा व्लॉग शुरू हो रहा है इसका। सो लेट मी टेल यू गाइस दैट अभी मैं जा रहा हूँ धर्मशाला, नॉट धर्मशाला, मैक्लॉडगंज। और मैक्लॉडगंज जाने का रीज़न ये है दैट बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जानी मानी हस्तियाँ आ रही हैं। और वो जानी मानी हस्तियाँ मेरे खास दोस्त हैं, तो बस उनसे मिलने जा रही हूँ, उनको धर्मशाला घुमाने जा रहे हैं, थोड़े मज़े करने जा रहे हैं, थोड़ा फ़न करने जा रहे हैं। हम भी करेंगे, आपको भी करवाएंगे, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तुम में से काफ़ी लोग उनको पहले से जानते होंगे, उनका नाम है करण भाई और साहिल भाई। नहीं पहचाना ना, अब इनके यूट्यूब चैनल्स की जब नेम बताऊँगा ना तुम पहचान जाओगे खुद ब खुद। तो भाई एक आ रहा है डार्क स्पेक्टर और एक आ रहा है वेनम राइडर। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम एक्साइटेड बिकॉज आज तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, सिर्फ वर्चुअली हमारी बातें वगैरह होती हैं और वर्चुअली हम दोस्त हैं। पहली बार किसी को मिलने की एक्साइटमेंट भाई साहब। अभी मैंने हीरो बनने के लिए जैकेट ओपन रखी है, बट मेरे को बंद करनी पड़ेगी इसकी जिप, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे चेस्ट पे। एंड आई एम लिटरली शिवरिंग राइट नाउ। अभी ये जो धूप है ये छलावा है गाइस, इसके ऊपर तो तुम ध्यान ही मत दो ना। टू बी ऑनेस्ट इतनी ज़्यादा मेरे को ठंड लग रही है ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं, अभी नाक चल पड़ा मेरा। मैं देखूँ पता नहीं कौन सी लाउड सी बाइक आ रही है। ओह ये रोहन है, ओ बड़े लोग भाई बड़े लोग, तू बता। लेट्स गो बिच। आई थिंक वाइजर बंद करके ही बोलना चाहिए मेरे को, बिकॉज इनकी बाइक बहुत ज़्यादा लाउड इस टाइम। ओ भाई साहब इट्स फकिंग लाउड मैन। नहीं लाउड तो वैसे मेरी भी हो जाएगी, बस डीबी किलर निकालने की देर जैसे इन्होंने निकाला है। आई डोंट थिंक गाइस कि अभी आपको मेरी साउंड आ रही होगी जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, बट आई जस्ट होप कि साउंड आ रही हो। तो रजत भाई को देख के मैंने भी अपना डीबी किलर खोल दिया है। और अब भाई बहुत ज़्यादा मतलब लाउड सीन हो रहा गाइज़। आप कभी भी मैकलो आते हैं तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप खड़ा डंडा रोड वाला जो रूट है वो लो, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, कंजेस्टेड सा एरिया है और एक्सीडेंट प्रोन एरिया, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। रजत भाई भाई मूड में है इस टाइम, ऑल्सो अटेंशन सीक कर रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा बुरी तरह से सबका। अभी मैं रजत भाई की बाइक चला रहा हूँ बिकॉज मेरे को इनका एग्जॉस्ट नॉट एक्सपीरियंस करना था कि एक राइडर को कैसा साउंड आती है। एंड थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है मेरे को ये वाली बाइक, आई डोंट नो व्हाई। इसका वेट में भी थोड़ा मतलब अलाइनमेंट गलत है मे बी अकॉर्डिंग टू मी। तो गाइस अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा पब्लिक खड़ी है हमारे सामने और यहाँ पे दो चेहरे ऐसे हैं जो आपने पहचान लिए होंगे। बिग फैन। ओह सर हम आपके बिग फैन सर, ये वाला चेहरा आपने देखा होगा। ये देखो भाई अब ना अर्पित भाई मजाक ले रहे हैं बस। किस चीज का भाई, आपके फैंस नहीं है यहाँ पर, हम सारे आपके फैन है।
और क्या, हार्डकोर फैन है मैं, हार्डकोर। और ये गोरा चिट्टा जो लोंडा आप देख रहे हैं, ये वेनम राइडर आप जानते होंगे इनको। गाइस हमारे भाई को फुल सपोर्ट करो, हर जगह से सपोर्ट करो। बोलने का क्या मतलब है आपका? ये लौंडा थोड़ा अश्लील है गाइस, हर जगह सपोर्ट करो, जहाँ बन सकता है वहाँ सपोर्ट दे दो। सो गाइस टू बी ऑनेस्ट, पहले मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा, पूरी स्टोरी बनाऊंगा, मिलूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे ही जैसे ही मिला हूँ मैं इनको, वैसे ही मैं बस बातों में लग गई उनके साथ। और अभी यहाँ से डिपार्चर है जब हमारे इस लोकेशन से, तो अब मैं वीडियो बनाने का मेरे माइंड में थॉट आया कि चल वीडियो भी बनानी थी, तो वीडियो बना लेते हैं। अभी तो आगे बनती रहेगी वीडियो, बनती बनेगी। यही चक्कर है कि आते ही हम भी भूल गए थे कॉन्टेंट शूट करना, तब से खाना खाने में ही बिजी रहे, तो अभी हमने कर लिया भाई। चलो आखिरी का कुछ शूट करते हैं, अभी निकलते हैं। स्पेक्टर भाई, व्हाट अबाउट फेस रिवील? Not yet. चलाएगा मेरी बाइक और मैं चलाऊंगा वेनम राइडर की बाइक। और टू बी ऑनेस्ट मजा आने वाला है, क्योंकि बाइक की फील ही अलग है कुछ। JK02CR 2 crore की बाइक है। वाइजर खुला रखना चाहिए मेरे को, बिकॉज फॉग जम रही है। सो आई डोंट नो अभी क्या प्लान है, मैं बस साथ में जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, ना मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ। सो नाउ गाइस वी आर ऑल सेट टू गो, आई डोंट नो प्लान्स क्या अभी फर्दर, देखते हैं। और वेनम राइडर अपना ट्रेडमार्क मतलब व्हीली करते हुए, आर व्हीली बॉय गॉट नो चिल। अभी हम उस होटल में आए जहाँ पे इनकी एकोमोडेशन है, और अभी मैं दिखाता हूँ कि एक मोटर व्लॉगर्स जो होते हैं उनका रूम कैसा होता है। यहाँ पे एक ही है, ये देखो भाई, मतलब कोई सिस्टम नहीं है जिस हिसाब से मतलब सामान वगैरह इन्होंने फैलाया हुआ है, और ऐसा कुछ क्या बोल रहे हैं, ये सफाई हो रखी है, ये सफाई हो रखी है। तो अगर सफाई ऐसी हो रखी है, तो जब सफाई नहीं थी तब कैसा हाल बनाया होगा? सुबह उठे तब रूम में जाके दूसरे रूम में किया था। बोलने लायक शब्द नहीं है मेरे पास। पता है वो जो आया ना, उसने हाथ सिर पकड़ लिया, यार ये क्या साफ करना है, उसने सिर पकड़ लिया, चार बंदे लगे साफ करने में। अभी अभी आगे का प्लान कुछ पता नहीं है कि क्या प्लान है, क्या करना है। आगे जो अर्पित मौज करा दे, अब अर्पित ले सब, अर्पित और अजय भाई काउंट नहीं करी कितनी है, पर टू बी ऑनेस्ट बढ़िया लोकेशन इन्होंने चूज करी है। और मेरे को बंद कर दिया है अभी मैंने भाई, ठंड लग रही, खोल दे यार। मेरे नड्डी में सीम। सो गाइस टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे, और ये हमारे वेनम राइडर, शो मी योर फेस ब्रो। हेलो गाइस, हेलो। नींद लगी हुई है पर शो नहीं कर रहे, बहुत नींद आ रही है। हमारे स्पेक्टर भाई हैं, हम यही सोच रहे हैं क्या सिंगल लाइफ कैसी होती है। और ये हमारे रजत भाई हैं। गाइस एक बार अर्पित से पूछना बनता है कि सिंगल लाइफ कैसी होती है। तो गाइस आई डोंट नो व्हाई हम गुरु रंधावा सुन रहे आधी रात को। उसको सुन कौन रहा है, हम तो अपनी बातों में बिजी हैं। नहीं बट स्टिल लगा तो है ना बैकग्राउंड में, वो तो ऐसे ही बैकग्राउंड नॉइस है बस। एंड आई एम सॉरी गाइस, व्लॉग हम कर नहीं पाए बिकॉज़ एंजॉय इतना कर रहे थे हम। रीजन यही है भाई, हम लोग बिलीव नहीं करते कि हम कंटेंट बनाने के पीछे पड़े रहे, बस इतना है कि हम एंजॉय करें, दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। और आज हम अर्पित भाई से मेरे बहुत दिल खुश हो गया भाई, रजत भाई हैं अपने, उनके साथ मिले कसम से। लाइक
एक डेढ़ साल से पहले से हम बातें तो कर रहे थे, अर्पित भाई से तो काफी पहले से कर रहे हैं, आज जाके हम मिल भी लिए तो मजा आ गया भाई लिटरली। और इसी मजे मजे में व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला ना, ख्याल है किसको मिला? मेरे को मिला, मैंने आप देख लोगे ना आप दोनों के चैनल पे, अगर आपको मिल जाएगी व्लॉग किया भाई ने तो फिर मान लेना, बट हमने किए नहीं, हमने खाली क्वालिटी टाइम स्पेंड किया भाई प्रॉपर। इस बार हमने पर्सनल टाइम को ही पर्सनल टाइम स्पेंड किया। और ये हमारे करण भैया, इनको नींद लगी है। सो गाइज, महंगे महंगे हेलमेट रूरोक वाले हमारे डार्क स्पेक्टर भाई के, अनफॉर्चुनेटली मेरे को थोड़ी सी इमरजेंसी है तो मेरे को रजत भाई को तो निकलना पड़ेगा पहले ही, और डार्क स्पेक्टर वगैरह और कंपनी भी निकल रही है। ठीक है फिर सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मेरे को भी यार, पहली बारी पहली बारी तो मिले। दो मिनट बता रहे थे कुछ। ये हाफ बर्न फ्यूल निकाल रही है। क्या निकाल रही है? हाफ बर्न फ्यूल। हाँ काला धुआं देखना, काला हो गया था रेड। चले चलो ठीक है ब्रो, फिर मिलेंगे। सो गाइस, बढ़िया एक्सपीरियंस था एंड आई एम सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं इंजॉय करने में इतना ज़्यादा गुम हो गया था कि भूल गया कि भाई शूटिंग भी नेसेसरी है। सो आई डोंट थिंक कि मैं दिखा पाया हूँ अपना 10% भी, कि कितना हमने इन्जॉय किया है, कितना हमने टाइम स्पेंड किया है, क्या क्या हमने किया है। इंस्टा पे मैं स्टोरीज डाल रहा था, अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते तो आपको पता होगा दैट कितना इन्जॉय करा था। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते गए, आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई नो वैसे कुछ खास इसमें था नहीं दिखाने लायक वीडियो में, बिकॉज मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं दिखा पाया कैसे कैसे इन्जॉय करे, क्या क्या इन्जॉय करे, बिकॉज पर्सनल टाइम था हमारा, पहली बार हम मिल रहे थे। सो कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।